हेलो, वेलकम टू माय चैनल गुड वाइब्स विद डॉक्टर मेघा। सो कैसे हैं आप सब? सो इतने सारे पौधों के बीच में बैठी हुई हूँ, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं कुछ पौधों के बारे में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं जिस प्यारे से पौधे के बारे में बात करूँगी वो है सिंगोनियम। और ये ना बहुत सुंदर प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में या फिर अपने बालकनी में बिल्कुल इंक्लूड करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं सिंगोनियम के बारे में। तो क्या है जो सिंगोनियम है, ये ओरिजिन जो है इसका, नेटिव जो प्लेस है वो है मेक्सिको। ठीक है, तो मेक्सिको में ये प्लांट बहुत मतलब मिलता है और वहीं से ये यहाँ पे इंडिया में आया है और सारी दुनिया में फैला है। और ये जो सिंगोनियम है ये बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली पौधा है, और कोई भी अगर आप न्यू गार्डनर है, बिगनर हैं, तो आप अपने गार्डन में या फिर रूप टॉप पे या फिर बालकनी में आप इसे बिल्कुल इंक्लूड करें। ये बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा और मरेगा नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि जो बिगनर्स जितने भी होते हैं ना, वो लोग सारे डरते इसीलिए हैं कि वो लोग प्लांट का केयर सही से नहीं कर पाएंगे तो पौधे मर जाएंगे। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, प्रोपगेशन करना भी बहुत इजी है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। तो जो सिंगोनियम है ना वो लो लाइट प्लांट है, उसे ज़्यादा लाइट मतलब वो कम लाइट में भी वो चल जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी अंधेरे कोने में से रख दें। तो अगर आप इसे वेल लिट जो प्लेस होती है, जैसे कि जैसे अभी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मैं विंडो के सामने बैठी हुई हूँ, यहाँ पे देखिए अच्छी खासी रोशनी है, तो अगर ऐसा कोई प्लेस है तो आप वहाँ पे इसे रख सकते हैं, ईजिली ग्रो करेगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर इसे आप ऐसे प्लेस पे रख रहे हैं जहाँ पे 5 से 6 घंटे की धूप या हल्की धूप या बहुत तेज़ रोशनी भी आ रही है तो भी ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने जाना कि हाँ, और ये भी आप कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे, अगर आपके पास प्लेसेस है जहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं आ रहा है, तो जो ग्रो लाइट होता है, LED जो लाइट्स होते हैं, उसके अंदर नीचे भी ये बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल ग्रो लाइट का यूज़ करें। और तो ये तो हम लोगों ने जाना कि इसकी लाइट कंडीशन क्या है। अब हम लोग आते हैं कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो जो इसकी जो सॉइल है ना वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी पानी ना ठहरे ये आपको पता होना चाहिए। और क्या है कि जब भी आप इसमें इसकी जो सॉइल मिक्स बनाएं, उसमें आप जो सपोज 50% आप सॉइल डालें और थोड़ा सा आप सैंड डाल सकते हैं इसमें 20% के लगभग, और साथ में आप परलाइट या फिर कोकोपीट वो मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो सॉइल है ना वो थोड़ा लाइट वेट बने और दिक्कत ना हो। और जहाँ तक बात है पानी देने की, वाटरिंग की, तो इसे मतलब इसके जो मतलब पानी है रिक्वायरमेंट, जो भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी है। और जब भी आप इसको पानी दे, अच्छे से थॉरली पानी दे, और नीचे जो भी होल है पॉट के वहाँ से पानी आराम से निकल जाए। और जब भी आप इसको वाटरिंग करें, पहले ये चेक कर लें कि उसकी मिट्टी 1 से 2 इंच ड्राई है, तभी आप इसको वाटर करें, नहीं तो जो रूट है ना इसके वो सॉगी हो जाएंगे मिट्टी की वजह से, और ज़्यादा पानी की वजह से वो रॉट कर जाएंगे और आपका पौधा मर जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरा पौधा मर गया। तो आपको ये पता होना चाहिए वाटरिंग कैसे करनी है। और अब आते हैं इसके फर्टिलाइज़र पे, जो कि है मैं सी वीड फर्टिलाइज़र अपने सारे पौधों में देती हूँ, सारे जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर ऐसे ग्रीन वाले जो प्लांट होते हैं, डेकोरेटिंग जो प्लांट होते हैं उसमें मैं देती हूँ। और वो मैं देती हूँ 15 डेज़ के इंटरवल पे, और साथ में आप दे सकते हैं जो वो आता है, मैं सारे पौधों में लगभग सेम टाइप के फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। बनाना पील फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर ऑनियन का और गार्लिक का छिलका का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जो कि है। और मैं जो क्या करती हूँ ना कि जो अंडे के जो छिलके होते हैं ना, उसे मैं धूप में अच्छे से सुखा लेती हूँ और उसका मैं मिक्सी में डाल के उसको पीस के उसको सारे पौधों में देती हूँ, तो कैल्शियम भी जो कमी होती है वो उसमें पूरी हो जाती है पौधों की। अब आते हैं कि इसको आप प्रोपगेट कैसे करें। तो देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये है मेरा ओरिजिनल मदर प्लांट, और इससे मैंने बहुत सारे पौधे बनाए हैं। तो ये है एक, इसे मैंने देखिए एक रॉड पे चढ़ा के रखा है,
तो इसकी ये वाइन है, ठीक है। तो सिंगोनियम एक वाइन वाइन का ही एक टाइप है, वाइन की तरह ये बढ़ता है। तो लतर वाले पौधे कह सकते हैं इसे आप। तो बट ये मतलब प्रॉपर वाइन नहीं है, ये बुशी वाले जो वाइन होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाइन रूप में, वाइन के फॉर्म में जाए, तो आप इसे सपोर्ट दीजिए, तो ये बिल्कुल बढ़ेगा। और उसी मदर प्लांट से ये भी देखिए, इतने सारे बुशी है ये भी मैंने बनाए हैं पौधों से। और देखिए न्यू न्यू बेबी लीव्स भी आ रही हैं। तो जो इसके जो लीव्स है ना, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी जूम करके। तो पहले ऐसे रख देती हूँ मैं, नहीं तो ये गिर सकते हैं। और सिंगोनियम का मेरे पास फिलहाल, पहले तो मेरे पास चार पांच टाइप के थे, बट वो सारे मुझे छोड़ के चले गए। और अभी मेरे पास बस दो ही टाइप है। एक तो मैं ये जो वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है वो है, और एक है नियॉन वैरायटी। ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें अभी देखिए ऐसे स्पॉट्स आ गए हैं, ठंड की वजह से आए थे। और अभी देखिए जैसे अभी वेदर चेंज हो गया है ना, तो ये न्यू ऐसे पौधा आ रहा है, न्यू पत्ते आ रहे हैं। तो ये कुछ दिन बाद ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे प्रोपागेट करना बहुत आसान है। जैसे आप मनी प्लांट को प्रोपागेट करते हैं, जो आप जो उसके जो आप ब्रांच उसके कट करते हैं ना, वहाँ पे नोड्स होते हैं, तो सेम उसी तरह इसमें भी नोड्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे वाले वीडियो में, तो उसमें भी नोड्स होते हैं। तो बस आपको नोड्स को कट करना है, आप उसको पानी में डाल के रखिए 15 डेज से लेके 1.5 मंथ तक, डिपेंड करता है वो कैसे ग्रो हो रहा है। और पानी वीक में एक बार आप चेंज करें, उसमें रूट्स डेवलप कर जाएंगे। फिर आप उसे चाहते हैं तो पानी में ही रहने दीजिए, नहीं तो फिर आप उसे मिट्टी में डाल सकते हैं। तो मिट्टी में पौधे जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि भाई उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वाटर मतलब पानी में ही डाल के आप रखें, तो आप रख सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये जानकारी, मुझे बताइएगा। और मैं अभी इसके बाद जो मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ, वो प्रोपगेशन रिलेटेड है, और कितने सारे सिंगोनियम है मेरे पास उसकी भी वीडियो है। सो देखिएगा उस क्लिप को, और पहले क्लिप को देख लीजिए, फिर मैं मिलती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना प्रोपगेशन के लिए, ये देखिए मैं ये नोट्स की बात कर रही थी। आपको नोट्स के नीचे कट करना है, ठीक है, नोट्स के नीचे आपको कट करना है और आपको पानी में डाल देना है। अब मैं यहाँ पे आप सबको दिखा रही हूँ अपने सिंगोनियम का कलेक्शन। और ये सारे पौधे मैंने बनाए हैं अपने मदर प्लांट से, और बस उसमें एक अलग है जो कि है नियॉन वैरायटी। ये आप देख रहे हैं ना, ये बाहर था मतलब, ये धूप में रहता है तो ये इसका ये कलर ऐसा है। तो आप लोगों ने देखा ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा आपको मेरी ये जो जानकारी है वो कैसे लगी, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को और कौन से पौधों पे करना चाहिए प्रॉपर इस तरह से। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।